Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे. तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट आई थी. मुझे बहुत सारी कि आप जो है ब्राउनी बनाना सिखा दें, चॉकलेट फज ब्राउनीज. तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट फज ब्राउनीज. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा. और लाइक करना है तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो मैंने एक बोल ले लिया है एज यूजुअल, एक प्यारा सा आप लग भी अपना एक बोल ले लिया. ठीक है, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है बता देती हूँ. यहाँ पर मैंने 2 eggs लिए हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर है ये. और वनीला एसेंस लिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं. ये हम अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए डालते हैं. ठीक है, शुगर ली है मैंने 1/2 cup, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको मीठा कम पसंद है तो. ऑयल लिया है मैंने 1/2 cup. ठीक है, मैदा लिया है मैंने लेवल कर 1 cup. और कोको पाउडर लिया है 2 tablespoons लेवल कर. और जो कोको पाउडर हमारा जो कोको पाउडर है, मैदा है और जो शुगर है, इन तीनों चीज़ों को मैंने जो है अच्छी तरह से सीव कर लिया है ताकि हमारा जो है ताकि हमारी जो ब्राउनी है वो बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने. ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुकिंग चॉकलेट ले ली है. ठीक है, ये कुकिंग चॉकलेट है. और यहाँ मैंने जो है केक मोल्ड लिया है, इसके वो पहले मैंने इसको जो है ऑयल से ग्रीस किया है, फिर मैंने बटर पेपर लगाया है इसके ऊपर और इसके ऊपर थोड़ा सा 1 drop ऑफ ऑयल अगेन लगाकर इसको मैंने ग्रीस कर लिया. ज़्यादा सारा ऑयल नहीं लगाना, बहुत कम अमाउंट में लगाना है. ठीक है, ये भी हमारा मोल्ड भी मैंने ये देखिए रेडी कर लिया है. तो अब हम सबसे पहले हमारे जो बोल है उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ हम डालेंगे हमारा 1 egg. ठीक है, तो हम एग डालते हैं अपना. ये हमारा 1 egg गया. अब हम अपना डालेंगे दूसरा एग. ये हमारा दूसरा एग गया अंदर. ठीक है, तो अब जो है हमने हमारा जो एग हमारे जो हमने एग्स डाले हैं दोनों, इसको हमने इतना विस्क करना है कि ये जो है इतना फ्लफ़ी हो जाए, इतना क्रीमी सा हो जाए. ठीक है, इसका क्रीमी सा जो है ना टेक्सचर हो जाए. ये देखिए, इसका क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए. ये देखिए गाइस, इतना होना चाहिए ये क्रीमी. हमारा एग जो है इतना फ्लफ़ी सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना, बस काफ़ी सारा आपने इसको विस्क करना है. यू नो, इस तरह से आप कर सकते हैं. ये देखिए, इस तरह से जो कलर इसका थोड़ा सा चेंज होगा और इस तरह से ये फ्लफी होगा. ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, हम डाल देंगे इसके अंदर वनीला एसेंस. ठीक है, इस 1 teaspoon आपने डालना है पर इस कैप से मेजर कर डाल देंगे. ये मैं फुल डाल रही हूँ, आप स्किप भी इसको कर सकते हैं. ठीक है, मैंने इसको स्किप नहीं किया, मैंने इसको डाला है. एंड इफ यू डोंट हैव यू कैन स्किप इट. ओके, और हमें उसको एक क्विक मिक्स दे देना है कि जो हमारे जो वनीला एसेंस है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. क्विक मिक्स देना है आपने. आफ्टर डैट हम इसमें डालेंगे शुगर. ठीक है, शुगर है, मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ. साइज साथ नहीं डालनी है आपने, जो है थोड़ी थोड़ी करके डालिए. पहले 1/2 fold डालें और फिर डालेंगे हम बाद. इसी तरह मैं जो हूँ साई डालती हूँ, मिक्स करते हैं. आपने सबसे पहले ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स करना है और फिर हमने इसको डालते जाना है.
बाकी सारी शुगर को, और शुगर भी हमने पाउडर शुगर लेनी है। देखिए इस तरह से जो हमारा पाउडर शुगर होती है, ठीक है, इसको मिक्स कर दूँ वापस आती हूँ। ये देखिए जी, मैंने जो है शुगर ट्राई डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने, और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। और हमने एग को जो है फ्लफ़ी किया था, और जो है एग को हमने डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको फ्लफ़ी किया था। फ्लफ़ी हमने क्यों किया था? फ्लफ़ी हमने इसलिए किया था ताकि हमारी जब ब्राउनी बनकर बेक होकर रेडी आएगी तो जो है वो अच्छी तरह से बेक हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। इसीलिए हमने एग को जो है फुलाया था एग को हमने फ्लफी किया था। अब जो है एग भी फ्लफी हो गया, वनीला एसेंस भी हमने डाली है यहाँ पर, और वो भी डाली है, शुगर भी डाली है। तो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो ऑयल है, हमारे पास मैदा है और डार्क चॉकलेट है एंड कोको पाउडर। सबसे पहले हम डालेंगे मैदा 1 कप लेवल कर, ठीक है, सीव्ड है ये भी। एंड देन उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सीव्ड कोको पाउडर अनस्वीटेंड, ठीक है, और फिर हमने इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स करना है हमें इसको और ब्राउनी का बैटर जो होता है ऑलवेज थिक होता है। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर ऑयल, ऑयल हमने 1/2 कप लिया था। उसके बाद हमने इसको ऑयल डालने के बाद हमने इसको आराम आराम से विस्क की हेल्प से मिक्स करना है, और बीच में मिक्स करते करते हमने उसके अंदर ऐड कर देनी है कोकिंग चॉकलेट। आप डार्क चॉकलेट यूज़ कर लें, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, सो आई यूज दिस। और फिर हम इसको वेरी वेल कर लेंगे मिक्स अंटिल अनकॉर्पोरेटेड, और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ना ज़्यादा ये हमारा थिक होना चाहिए बैटर और ना ज़्यादा हमारा ये थिन होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देखिए अंटिल लाइक दिस हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमारा सी गाइस, हमारा जो ब्राउनी का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है, और आप देखेंगे कितना ज़्यादा जो है फ्लफ़ी है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में है, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा थिन। तो हमने अपना मोल्ड भी रेडी कर लिया था, बटर पेपर लगा कर ग्रीस कर लिया था। चाहे तो बटर पेपर हम कर दें स्किप, बट मैंने लगाया है। उसके बाद हमने जो है ऑयलिंग भी हुई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब जो है ना ये देखिए ये स्टिकी होना चाहिए, मतलब ग्रीस। अब मैं आपको दिखा दूँगी, देखिए आप देखेंगे इसको डालते हुए, और या फिर आपने पूरा नहीं वो करना ऊपर तक, यानी कि इसको बिल्कुल फुल नहीं करना। अगर फुल कर देंगे तो ब्राउनी को बेक होने के लिए थोड़ी सी स्पेस जो चाहिए होती है वो नहीं मिलेगी। मेरी इसमें भी स्पेस है, इसलिए मैं मेरा सारा बैटर पूरा आ गया है। अगर आपका बैटर जो है बच रहा है थोड़ा सा, सॉरी, तो आप जो है क्या करेंगे, आप थोड़ा सा, अगर आपका स्मॉल मोल्ड है, स्मॉल मोल्ड जैसे बटरफ्लाई का होता है, हार्ट वाला होता है, तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इस तरह से सारा बैटर डल गया है इसके अंदर, और मैंने सारा बोल क्लीन कर लिया है ताकि वेस्टेज ना हो हमारी। ठीक है जी,
आपने इसको ऊपर से क्लीन कर लेना है ताकि प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद हमने इसको करना है टैप 3 times, तो जो है ज़रूर करें इसको। 1, 2, 3 हमने इसको टैप कर लिया। ऐसे जो एयर बबल्स होंगे, टैप करने से जो सारे एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। ओके फाइन, तो अब हम इसको रखेंगे ओवन। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 100 degree पर इसको मैंने रखा था प्री हीट होने के लिए। 10 to 15 minutes के लिए वो प्री हीट हो गया है। अब हम इसको रखेंगे 180 degree पर और इसको हमने तकरीबन 30 to 35 minutes के लिए रखना है। और बीच में हमने इसको चेक करना है 2 times, तो चेक ज़रूर करिएगा इसको आप लोग चेक। और अब हम रखते हैं, ये देखिए गाइस, अब हम इसको रखेंगे ओवन में। ये देखें हमारा बैटरी, मैंने उसको टैप भी कर लिया, आपको दिखाया था मैंने। अब हमने इसको रखना है ओवन में, लेकिन मेक श्योर आप इसको जो है मिडल में ना रखें, मतलब कि सेंटर में ना रखें, साइड पर रखें। क्योंकि अगर आप, और बहुत केयरफुली रखें, क्योंकि अगर आप लोग बीच में इसको रख देंगे तो जो है ये बहुत जल्दी पक जाएगा, यानी कि कुक हो जाएगा, बेक हो जाएगा और अंदर से ये नहीं सही रहेगा। तो आप लोग देखें, इसको मैंने रख दिया है, देखें। अब हमने इसको, मैं आपको दिखाऊंगी जब ये हमारा बेक हो जाएगा। तो ये देखिए जी, हमारी ब्राउनी जो हो गई है बेक। ठीक है, ये देखिए हमारी ब्राउनी बेक हो गई है। इसको तकरीबन 30 minutes लगे थे जब ये बन गई थी, तो मैंने इसको चेक कर लिया था बीच में टूथपिक की हेल्प से। ये वाली ऐसी टूथपिक की हेल्प से ये बन गया था। कोई भी बैटर इसके ऊपर नहीं हुआ था। और बटर पेपर की हेल्प से मैंने इसको निकाल कर, उसमें से अनमोल कर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कम्प्लीटली कूल कर लिया है। क्योंकि अगर आप गरम गरम के ऊपर ही चॉकलेट डाल देंगे, चॉकलेट सिरप डाल देंगे, तो जो है वो सारा मेल्ट हो जाएगा और आपकी डेकोरेशन ख़राब हो सकती है। इसीलिए कम्प्लीटली देखें बिल्कुल कूल हो गया है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी मज़े की लग रही है। अब हमने क्या करना है, कब जब ये कम्प्लीटली कूल हो जाए तो हमने इसको करना है कट। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये देखिए, इस तरह से तकरीबन थोड़े थोड़े गैप से आपने इसको कर लेना है। ओह माय गॉड, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, खुदी खुदी हो रही है। लाइक नाइफ इतनी ज़्यादा ये स्मूद है ना, ब्राउनी हमारी। ये देखिए मैंने नॉर्मल पीसेस काटे हैं अपनी ब्राउनी के। ठीक है, अब हम इस तरफ से भी कर लेंगे। ये देखिए रेडी है ब्राउनी, मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट लग रही है, कितनी स्पॉन्जी है। ये देखिए नीचे से आप देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। नीचे देखिए कुछ कुछ जो है बटर पेपर का डिज़ाइन भी बन गया है नीचे से। ये देखिए, ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। वापस जोड़ देते हैं अब हम इसको, इस तरीके से वापस जोड़ते हैं। ये देखिए कट्स में आपको दिखा देती हूँ। देखें मैंने एक पीस मैंने आपको अभी दिखा दिया था। अब हम करेंगे इसको डेकोरेट। तो सॉरी, डेकोरेट करने के लिए मैंने जो है सैलमन्स का चॉकलेट सिरप यूज़ किया है। अब मैं इसको करती हूँ। ठीक है, तरीके से उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्प्रिंकल्स, क्रेस्को कहें ये। ये रेनबो स्प्रिंकल्स है, आपके अपनी किसी भी वे से डेकोरेट कर सकते हैं, यानी कि आपको जोन सा भी इतना वे अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। ठीक है,
अभी हम थोड़े से जो है स्प्रिंकल्स लेकर डाल देते हैं इसके अंदर, और फिर हमने इसको डालकर फटाफट से फ्रीजर में रख देना है। तो ये थी आज की रेसिपी। ये देख कितने मजे की लग रही है गाइस, ब्राउनी बिरयानी। ये देखिए कितने मजे की लग रही है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल बेकरी जैसी ब्राउनीज लग रही हैं। आप लोग इसको घर पर बनाएं, बहुत ही सिंपल सी ब्राउनीज हैं हमारी और काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी हैं। तो जो है आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो आपने रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है। ये देखिए ये कितने मज़े की, मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, बन गई। तो अगर आपको ये रेसिपी जो है अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप देना आपने नहीं भूलना, साथ ही में लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमारी फुल सपोर्ट हो जाती है आप लोग जब लाइक करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।